जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से थे पहले पॉइंट्स का नाम आपको याद है क्या? दूसरे का नाम याद है क्या? पहला जो पॉइंट था दैट इज कंपटीशन ऑफ लोड एंड फोर्सेस। क्या बताया था हमने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप लोड देखो और उस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ये देखो। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल प्लानिंग। क्या? स्ट्रक्चरल प्लानिंग, ओके। तीसरा पॉइंट अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रिमाइंड करो, तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि उसकी एनालिसिस करनी होती है, फिर उसकी डिजाइन करनी पड़ती है, और डिजाइन के बाद लास्ट में एस्टिमेशन एंड डीवीएस एंड ऑल निकालना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन फोकस हमारा पहला पॉइंट पर है, फिर दूसरे पॉइंट पे भी चलेंगे। तो पहला पॉइंट दोस्तों क्या है? पहला पॉइंट था फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं, कौन कौन से फोर्स हमें देखने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स जो आपको देखना चाहिए दैट इज एक्सियल फोर्स। क्या? एक्सियल फोर्स वन साइड मेंबर्स पे एक्ट करता है, लाइक कॉलम पे और आर्चेस पे, आपका ट्रसेस पे, केबल्स पे, इन सब जगहों पे एक्सियल फोर्स एक्ट करता है। तो आपको एक्सियल फोर्स अगर टेंशन में जा रहा है, अगर ऐसे खींच रहा है तो टेंशन मेंबर्स में लग रहा है, और अगर ऐसे कर रहा है तो कंप्रेसिव फोर्सेस लग रहे हैं। तो आपको एक्सियल फोर्स का नॉलेज जरूर होना चाहिए। एक्सियल फोर्स से ही हमें क्या होता है, पता चल जाता है कि अच्छा लोड कितना आ रहा है। एक्सियल फोर्स इन द सेंस, अगर मैं आपके बॉडी से एग्जांपल दे दूं, तो अगर मैंने सपोज यहां से एक पुश रखा है इसको, और इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, ऐसे रखा इसके ऊपर, अब ये मान लो कि लगभग 50 केजी का है। कितने केजी का है? जस्ट एज्यूम करो 50 केजी का है। तो क्या होगा, मेरे पैर पे वेट बढ़ जाएगा। सेंट्रोइड पे मैंने रखा था, कहां रखा था? सेंट्रोइड पे रखा था। तो यहां से क्या हुआ, मेरे पैर पे वेट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि मेरा वेट प्लस ये वेट, मेरे वेट पैर पे क्या होने लगा, पेन होने लगा। क्यों? क्योंकि मेरे पैर का एक्सियल फोर्स बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सियल फोर्स बढ़ जाएगा, ऊपर से कंप्रेस करेगा ना मुझे, ऐसे कंप्रेस करेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें देखनी चाहिए, एक्सियल फोर्स। दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर मोमेंट। क्या? मोमेंट। मोमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है? सपोज हमारे पास एक मैंने पेपर ले रखा है, अब इस पे क्या होता है कि इसे मान लो बीम है, अब इस बीम पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स जनरेट होते रहते हैं। तो ये मोमेंट हमें चेक करना चाहिए, क्या मोमेंट जो हमारा है वो कितना आ रहा है, वो सेफ है कि नहीं। तो हमें मोमेंट देखना चाहिए। मोमेंट को कम कैसे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको, मोमेंट को कम कैसे कर सकते हैं, आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज आपको क्या देखना है, एक्सियल फोर्स, दूसरा देखना है मोमेंट, और तीसरा देखना है शियर। क्या देखना है? शियर। अब शियर में कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या शियर फोर्स, सुना है ना नाम शियर फोर्स, बट एग्जैक्टली क्या एक्ट करता है, क्या काम करता है शियर फोर्स, उसको मैं कुछ प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करता हूं। मेरे पास कुछ जिसके थ्रू मैं कर सकता हूँ, सपोज ये एक चाकू है। क्या ये एक चाकू है? ये ठीक है, नाइफ। तो अब ये आपके पास सपोज एक ब्रेड है। क्या है? एक ब्रेड है, अज्यूम करो ब्रेड है, अभी रखा नहीं है ब्रेड मेरे घर में, अज्यूम करो कि ब्रेड है। अब इस ब्रेड को मैं यहाँ से क्या करूंगा, इधर से पकड़ूंगा, और पकड़ने के बाद इधर से मैं काटूंगा, क्योंकि मुझे सैंडविच बनाना है। क्या बनाना है? सैंडविच बनाना है। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, जब मैं इसको काटने के लिए प्रेशर दे रहा हूँ, यहाँ से देखो प्रेशर दे रहा हूँ मैं, तो जब मैं प्रेशर दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इधर से मैं प्रेशर दे रहा हूँ, इधर से ये भी प्रेशर दे रहा है, कह रहा रुको नहीं तो गिर जाओगे, ये रोक रहा है ना। तो क्या हो रहा है, इधर से मैं पॉजिटिव फोर्स लगा रहा हूँ और इधर से क्या हो रहा है, नेगेटिव फोर्स जनरेट हो रहा है। यही तो है शियर फोर्स। ऊपर से फोर्स एक्ट कर रहा है, नीचे से नेगेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये जो प्रेशर लग रहा है, और क्या इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव फोर्सेस। पॉजिटिव फोर्स, इसकी तो हालत खराब हो गई, पॉजिटिव फोर्स, नेगेटिव फोर्स। मेंबर से जितना दूर पे आपका लोड एक्ट करेगा उतना ज्यादा आपका शियर जनरेट होगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि पास पास मेंबर है तो बेटर रहता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट फोर्स होता है जिसको आपको देखना चाहिए दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, सोचो, टॉर्जन। क्या? टॉर्जन, जो कि ट्विस्टिंग से जनरेट होता है। किससे जनरेट होता है? ट्विस्टिंग से। अब इसी को फिर से यूज करता हूँ, सपोज ये बीम है, और इस बीम पे जब इस तरफ से यहाँ से लगा हुआ सपोर्ट, और इसको जब मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ बार बार, क्या हो रहा है, यही तो टॉर्जन।
टॉर्जन है भाई, टॉर्जन कुछ और नहीं होता है, उस पे जब हम लोग राउंडिंग्स हमारी फोर्सेस जनरेट होने, मोमेंट जनरेट होने लगते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है वो टॉर्जन्स क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? टॉर्जन्स क्रिएट करता है। तो इन चारों फोर्स के बारे में जितना नॉलेज ले सकते हो ले लो, पहला एक्सियल फोर्स, दूसरा बेंडिंग मोमेंट, और तीसरा शियर, और चौथा टॉर्जन्स। अगर ये क्लियर है तो आपको फोर्सेस का ज्यादा चक्कर कुछ भी नहीं रहेगा आपके माइंड में। लोड के बारे में आगे डिस्कस करूंगा, बट लोड से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्ट्रक्चरल प्लानिंग, स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर वन हमारा हो गया क्या? फोर्सेस के बारे में हमें नॉलेज मिल गया कि क्या क्या फोर्सेस इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आप चलते हैं स्टेप नंबर टू जो कि स्ट्रक्चरल प्लानिंग है। क्या है स्ट्रक्चरल प्लानिंग है? जो कि बड़ा टॉपिक है। स्ट्रक्चरल प्लानिंग के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए, और नियरली 5 पॉइंट्स हैं जिनको हमको याद रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओरिएंटेशन ऑफ द कॉलम्स। क्या? ओरिएंटेशन ऑफ द, ओरिएंटेशन एंड पोजिशनिंग दोनों, ओरिएंटेशन एंड पोजिशनिंग ऑफ द कॉलम्स पहली पॉइंट है जो कि बहुत याद रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पोजिशनिंग ऑफ द बीम्स। तीसरा पॉइंट है पोजिशनिंग ऑफ द बीम्स, किधर से हमारा बीम पड़े कि हमारा 2D में बीम बने, उसके बारे में डिस्कस करूंगा डीप में एक एक करके। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज स्पैनिंग ऑफ द स्लैब। क्या? स्पैनिंग ऑफ द स्लैब, स्लैब का स्पैनिंग्स आपको देखना चाहिए कि भाई स्लैब का स्पैन 2D में कैसे लेके आया जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2D स्लैब हमेशा सेफ होता है, उसमें दोनों साइड से स्पैन पड़ता है। आपने देखा होगा अभी जिस रूम में मैं बैठा हूँ, इस रूम का साइज है अप्रॉक्स 10 feet by 12 feet। कितना है? 10 feet by 12 feet है। तो क्या है 120 स्क्वायर फीट। अगर इसको देखोगे तो किसमें आ गया? 2D में आ गया। आप भी जिस रूम में बैठे होंगे थोड़ा देख लो घूम के, रूम आपका कैसा है? 2D में ही होगा स्लैब उसका। तो आपको स्पैनिंग ऑफ द स्लैब पे ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद आपको स्टेयरकेस किस पोजीशन, लेआउट ऑफ द स्टेयरकेस इसको बोलते हैं, कौन से पोजीशन पे आपको लेआउट स्टेयरकेस का देना चाहिए, और इसके बाद प्रॉपर आपका फुल बिल्डिंग का लेआउट कैसा जनरेट करना चाहिए, ये चीजें। अब स्टेप वन फर्स्ट जो है जिसमें हमने ओरिएंटेशन एंड पोजीशनिंग ऑफ द कॉलम्स, उसके बारे में आज के वीडियो में और डीप में डिस्कस करते हैं। पोजीशनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉलम्स बहुत ही ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है कि इसका पोजीशन किधर रखूं। पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कॉलम लगाने से जस्ट पहले एकदम याद रखना कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग्स, पहला टिप्स होता है कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग्स, वहां पर कॉलम जरूर होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट होता है जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि कॉलम जब लगाते हैं तभी ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी, दूसरा जो पॉइंट है वो होना चाहिए जंक्शन। जंक्शन मतलब जिधर से इधर से बीम निकली हो, इधर से बीम निकली हो, और इधर से भी बीम निकली हो, ऐसे प्लेसेस पे आपको कॉलम जरूर देना चाहिए। कहां पे? जंक्शन पे। ओके, तीसरा जो पॉइंट है आज के टाइम में लोग उसको ध्यान नहीं देते, कॉमर्शियल में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती बट रेसिडेंशियल में बहुत प्रॉब्लम आती है, वो ये है कि आपका जो डेप्थ है वो किधर रखना चाहिए, वेट्स किधर रखना चाहिए, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। पहले तो वो मैं आपको बता दूं, तो मैं सोचता हूं कि इसको आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूं प्रैक्टिकल अपने ही रूम में दिखा के, कॉलम को और बीम को दोनों को दिखाता हूं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसका डेप्थ कैसे रखना चाहिए और उससे फायदे क्या होते हैं। चलो दिखाता हूं। गाइस आप देख रहे होंगे ये क्या है, कॉलम है। अब इस कॉलम को प्लेस करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो माइंड में आया वो ये आना चाहिए कि इसका जो वेट है, इसका जो वेड्थ है, ये चीज ये इतना ही रहे कि वॉल के साथ लग जाए। क्या हो जाए? वॉल के साथ लग जाए। अगर इसका वेड्थ जो है बहुत आगे आ जाता है, इसका जो वेड्थ है ये बहुत ज्यादा आगे आ जाता है, तो इसको हम सही तरीके से यूज नहीं कर पाते, अपने कारपेट एरिया को सही तरीके से यूज नहीं कर पाते। तो हमेशा याद रखो आपकी जो वेड्थ है वो हमेशा आगे की तरफ आनी चाहिए, उतनी ही कि आपके वॉल के साथ उसका काम हो जाए, पहला चीज। दूसरा चीज ये देखना चाहिए कि हमारा लॉन्गर स्पैन कौन सा है। अगर मैं इस रूम को दिखाऊं तो इस रूम में ये जो साइज है लगभग ये 14 feet है, क्योंकि मास्टर बेडरूम है तो लगभग 14 feet ये है, और इधर का साइज आई थिंक नियर अबाउट 12 feet है। तो इसका जो स्पैन रखा गया, कॉलम का स्पैन रखा गया, वो स्पैन किधर रखा गया? कॉलम का स्पैन इधर रखा गया, मतलब इसका जो डेप्थ है किधर रखा गया? इधर मेजर एक्सिस में। डेप्थ कहां रखना है? मेजर एक्सिस में। क्यों मेजर एक्सिस में रखना है डेप्थ, समझने की जरूरत है, क्योंकि ये डेप्थ और ये डेप्थ अगर पास पास रहेगा तो जो ये बीम है, ये जो बीम आप देख रहे हो, ये बीम, इस बीम पे आपका डिफ्लेक्शन कम जनरेट होगा। क्या होगा? डिफ्लेक्शन कम जनरेट होगा, इसीलिए और साथ ही साथ मोमेंट भी कम जनरेट होगा जब हमारे कॉलम पास पास रहेंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि कॉलम का जो डेप्थ है वो हमेशा मेजर एक्सिस की तरफ रखना है, और कॉलम का जो विड्थ है वो माइनर एक्सिस की तरफ रखना है। किधर रखना है? माइनर एक्सिस की तरफ रखना है। दूसरी चीज जो आपको याद रखने वाली चीज है,
याद रखना विड्थ कम से कम रखो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अगर इसका विड्थ आपने बहुत ज्यादा इंक्रीज, देखो कितना अच्छा वॉल के साथ लगा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कॉलम है। अगर यही चीज यहाँ तक रहा होता तो मैं इसको कैसे यूज करता, यहाँ पर ना बेड में लगा पाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाता, प्लस आपकी बीम भी आगे आती, और वास्तु के अकॉर्डिंग भी अगर आपको बताऊं तो बीम के नीचे यूज नहीं करना चाहिए, तो वो भी हमारे यूज में नहीं आता, तो जगह खराब होती है। एक और चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कॉलम और बीम के जंक्शंस पे, लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो बीम होता है, ये जो बीम है और जो कॉलम है, कॉलम और बीम का जो कनेक्शन होता है ये मोमेंट और शियर का कनेक्शन होता है। किसका कनेक्शन होता है? मोमेंट और शियर का कनेक्शन होता है। अब इतना अच्छा कैमरा नहीं पकड़ पा रहा हूं, मैनेज करना। तो अब इसमें एक चीज हमको ध्यान देना पड़ता है, जब कभी भी आपका कॉलम का जो विड्थ है, ये विड्थ कभी भी इस बीम के विड्थ आगे नहीं आनी चाहिए। मतलब कभी ऐसे लोगों को देखना कि कभी भी ये जो बीम है ये आगे ना आ जाए, कॉलम का विड्थ अंदर रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम पता है क्या होगी? सही तरीके से जो बीम है, इस बीम का लोड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा कॉलम के ऊपर, सही तरीके से उसका लोड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या था, ये बाहर आ रहा था और ये जो था ये अंदर था। इसलिए कोशिश करो कि कॉलम का जो विड्थ है उसके बराबर आपको यहाँ का बीम का विड्थ मिल जाए, या फिर अगर वो नहीं हो पा रहा है, कॉलम बीम का जो विड्थ है वो कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए कॉलम के विड्थ से। अगर इतना आप याद रखोगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। वैसे मेरा बेडरूम है तो ये इस तरीके से बेडरूम है, इधर मैं बैठ कर पढ़ता हूँ। ये देखो आप यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो इसका स्पैन कैसा रखा गया है, इतना रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस है ये लॉन्गर स्पेस है, और अगर मैं बात करूँ ये वाली स्पेस का जो ये है ये माइनर है। क्या है? ये माइनर है। तो हमेशा याद रखना है आपको, जिधर मेजर है उधर डेप्थ आपको इंक्रीज कर देनी है। क्या आपको याद रखना चाहिए? नेक्स्ट आपको ध्यान देना चाहिए, कॉलम टू कॉलम का स्पेसिंग पास पास हो रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसका फायदा आपको पता है, कई लोग सोचते हैं नहीं कॉलम टू कॉलम अगर लॉन्गर स्पेन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, अगर आप लॉन्गर टू लॉन्गर लेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ, बीम में रेनफोर्समेंट ज़्यादा लग जाता है और फिर बीम की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करो कि कॉलम टू कॉलम स्पेस कम से कम रखा जाए तो बेटर रहता है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक प्रॉपर्टी लाइन होती है, प्रॉपर्टी लाइन के बारे में तो वैसे अलग से हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज प्रॉपर्टी लाइन, बट अभी बता दूं कि आपको कॉलम के जो प्रॉपर्टी लाइन है, प्रॉपर्टी लाइन इन द सेंस कॉर्नर का जो कॉलम्स होते हैं वो, तो वहां पर आपको प्रॉपर सही तरीके से मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ, आपको कॉलम यहाँ पर देना चाहिए। इसमें बहुत लोग गलती कर देते हैं तो उनको प्रॉब्लम जाती है। तो ये थे कुछ चीजें जो कि कॉलम को करते टाइम आपको माइंड में रखना है, और कॉलम को प्लेस करते टाइम अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किधर हमको मेजर एक्सिस रखना है, किधर माइनर एक्सिस रखना है, कॉलम को पास पास रखेंगे या दूर दूर रखेंगे, और साथ ही साथ किस तरीके से बीम का विड्थ और कॉलम के विड्थ बराबर रहे या फिर बीम का कम हो जाए लेकिन ज्यादा ना हो, इस चीज का भी आपको नॉलेज हो गया होगा। अगर आप इस पार्ट को इतना, जैसे कि आपने पार्ट वन को बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, लाइक किया, स्टेटस लगाया, इसी तरीके से अगर आप इसको भी करते हैं तो इस बार मैंने लगभग 3 मिनट आपकी ड्यूरेशन बढ़ाया है, नेक्स्ट टाइम मैं इसको 20 मिनट्स कर दूंगा, लेक्चर की टाइम इंक्रीज कर दूंगा। बस आपके नीड, सपोर्ट की नीड है, और डेफिनेटली हम पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। आज हमने क्या बात किया है? आज हमने बात किया है पोजिशनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉलम्स, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आपका जो स्टेप है दैट इज पोजिशनिंग ऑफ द बीम, उसके बारे में भी डीप डिस्कशन करूंगा, और आपको बड़ा मजा आएगा कि चलो एक एक कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हो रहे हैं, और इसी तरीके से मैं प्रैक्टिकली जो अभी मेरे पास रहेगा दिखाऊंगा उसके थ्रू। होप आपको मजा आया होगा, और अगर मजा आया है तो दबा के इसको लाइक करो। वो एक वीडियो देख रहा था, उस पर एक टीचर थे, वो बोलते हैं जल्दी से लाइक करो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं, आराम से लाइक कर देना, और साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप पर हो सके तो स्टेटस और फेसबुक पर स्टेटस लगा देना, बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होप वीडियो अच्छी लगी होगी, दबा के लाइक करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल 7:30 पे। बाय बाय।